मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। पीरी नदी पर पुल तैयार, 50,000 लोगों का आवागमन आसान। जिले के पूर्वी छोर पर मलहीपुर के पास से गुजरी पीरी नदी पर छोटा पुल बनकर तैयार हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 1.5 करोड़ रुपए से बनाए गए पुल को आवाजाही के लिए खोल दिया है। इस पुल के बनने से दोनों जिलों के 50,000 से अधिक लोगों को सहूलियत मिल गई है। जिले के पूर्वी छोर पर प्रतापपुर कमेचा विकास खंड के मलहीपुर सोनावा के पास से गुजरी पीली नदी पर एक तरफ सुल्तानपुर व दूसरी तरफ जौनपुर की सीमा है। पहले पीली नदी पर एक संकरा पुल बना हुआ था। वर्षों पहले बना पुल टूट जाने से दोनों जिलों के लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही थी। ग्रामीणों को कई किलोमीटर घूमकर हाईवे पर स्थित पीली नदी के पुल से गुजरना पड़ रहा था। दिसंबर वर्ष 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी के प्रयास से पीली नदी पर शासन ने एक पुल के निर्माण की स्वीकृति देने के साथ 1,53,00,000 रुपए मंजूर किए थे। शासन ने निर्माण का दायित्व लोक निर्माण विभाग के खंड 3 को सौंपा। वर्ष 2020 में निर्माण कार्य शुरू कराया गया। 3 वर्ष में पुल के साथ उस तक पहुंच मार्ग अप्रोच का कार्य भी पूरा करा दिया गया। इसके बाद पुल पर आवाजाही भी शुरू हो गई। इससे सुल्तानपुर के साथ जौनपुर जिले के 50,000 से अधिक लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल गई है। लोग पुल से सीधे दोनों तरफ आवाजाही कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के खंड 3 के अधिशासी अभियंता विजय कुमार के मुताबिक मलहीपुर सोनावा के पास पीरी नदी पर छोटे पुल का निर्माण 50 वर्ष से अधिक की डिजाइन पर किया गया है। पहुंच मार्ग व पुल का कार्य पूरा होने के बाद इसे आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बारिश के दिनों में पीली नदी में पानी ज्यादा आ जाने से दोनों तरफ के ग्रामीणों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। ग्रामीणों का इस पार से उस पार पैदल जाना भी मुश्किल था। पुल के निर्माण से ग्रामीणों की दिक्कत दूर हो गई है। लोक निर्माण विभाग के खंड 3 के अधिशासी अभियंता विजय कुमार के खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।